صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما

और इससे उनका ईमान और इतात और ज्यादा हो गई है सच का हरबल जलाल ने जो बड़ी अजमत वाला है वह वा आखिर उदावाना अनिलमी खावीन वजरात वजीर अजम इस्लामी जमहूर पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रही कनाब व या, या कनस्तिन अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं मेरे पाकिस्तानियों आज आ, मैंने आपसे बड़ी अहम बात करनी है अपने मुल्क के मुस्तबिल के लिए और मैंने ये फ़ैसला किया कि ये मैं लाइव करूँगा ये रिकॉर्डेड नहीं है ये आपके पास लाइव जाएगी बात और उसकी वजह उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक उस अंग्रेज़ी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है एक फैसला कौन वक्त पे है कि हमने दो रास्ते हमारे सामने हैं हमने कौन सा रास्ता लेना है लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले ये मैं जो अपनी आपसे दिल की आज बातें करूंगा उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मेरी तरह का आदमी पॉलिटिक्स में आया क्यों क्योंकि आप अगर पॉलिटिशन्स की ज़िंदगी देखें तो उनको किसी को भी कोई पॉलिटिक्स से पहले नहीं जानता था उनकी उनकी कोई आ, बड़े कम ऐसे लोग हैं जिन जिन्होंने ज़िंदगी में कोई चीज़ अचीव भी किया हो कायद आजम मोहम्मद अली जनाब बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे लेकिन उन्होंने वो ऐसे थे कि सारे आ, हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे बड़े वकील समझे जाते थे तो एक वो यानी उनकी हैसियत थी पॉलिटिक्स पे आने से पहले लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को देखें तो पॉलिटिक्स में तो से पहले कोई उनका नाम भी नहीं जानता था तो मैं तो वो एक खुशकिस्मत इंसान अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तो उसने सब कुछ दे दिया था यानी कोई भी शायद ही किसी को इतनी शोहरत मिले जितना मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत थी उतना पैसा मेरे पास था आ, सब कुछ था मेरे पास यानी आज भी मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अल्लाह मुझे सब कुछ दे दे बैठा है और मैं उसका बड़ा शुक्र गुजार हूँ देखिये मैं पाकिस्तान की पहली जनरेशन था हम वो जनरेशन थे जो पहले आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे पाकिस्तान मेरे से सिर्फ पाँच साल बड़ा है तो मेरे माँ बाप जो थे मैं बार बार लोगों को बताता हूँ वो एक ग़ुलामी के दौर में पैदा हुए थे वो अंग्रेज़ के दौर में पैदा हुए थे और मैं जब तक बड़ा होता रहा क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में शिरकत की थी वो मुझे हमेशा ये एहसास दिलवाते थे कि तुम बड़े खुशकस्मत हो आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो तुम्हें तो नहीं पता कि जो भी आप कर लें गुलामी क्या होती है क्योंकि एक सतह से ऊपर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर आपके हुक्मरान बैठे हुए थे तो एक बड़ा एक जो भी खुददार लोग थे उनको बड़ा बुरा लगता था ये जो अंग्रेज़ की ग़ुलामी थी तो हम 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 बड़े हुए मेरे बहन भेन, बहने और मैं हम हमें याद है कि बचपन से ये बताया गया तो जो ये खुददारी है ना ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है और जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया मैं आपको बताऊँ पॉलिटिक्स में भी क्यों आया था मैं इस, इसलिए आया कि मैं एक तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई थी पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे पता था तारीख का पता था मैं इस नतीजे पर आया कि हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी इलामा इकबाल की और जो कायद अजम जैसा लीडर यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने नहीं ज़्यादा देर रहना और अगर आप उनकी तारीफ पढ़ें कि जिस तरह वो उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में तो ये हमारे ये फाउंडिंग फादर्स थे तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था कि हमने एक इस्लामी फ़िलाई रियासत बनना था ये हमारी करारदाद पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है हमारे फाउंडिंग फादर्स का कि हमने एक जब हम कहते इस्लामी फ़िलाई रियासत तो ये सीधा चला जाता है मदीना की रियासत पे क्योंकि हमेशा मुसलमान उसको मॉडल समझता अपना जो सुनहरी दौर इस्लाम का है वो मदीना की रियासत थी तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो तीन मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें तीन चीज़ें रखी इंसाफ और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं इंसाफ होता यह है कि ताकतवर कमज़ोर के लिए एक कानून होता है और औ, और जो नबी वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर चोरी करे तो उसको सजा मिले और सिर्फ कमज़ोर चोर छोटा चोर जेल में जाए उन्होंने कहा कौमें तबाह हो जाती हैं तो जिस हजरत हज़रतली रजील तक ने कहा था, 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 था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता तो ये बेसिस है एक इंसाफ और दूसरा इंसानियत रहम होता है एक आ, आ, इस्लामी रियासत में जो कि मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई गई थी जो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ तो ये मेरे दो एम्स थे और तीसरा था खुदारी एक मुसल मान कौम गुलाम कौम नहीं बन सकती जिस कौम का नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या लाइला लाइला का तो मतलब ही है कि स्वाय के आप किसी के सामने नहीं झुकते वो शर्क है सबसे बुरी चीज अल्लाह को लगती है कि जब आप किसी को भी अल्लाह की जगह पर रखते हैं तो ये गुलामी जो होती है ये जब आप किसी की भी पैसे की गुलामी खौफ की गुलामी ये सब शिरक है क्योंकि ला 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 इंसान को आज़ाद करता है ये तीन थे मेरे आज से 25 साल पहले आप देखें कि मैं मैनिफेस्टो में ये तीन चीज़ें लिखी थी मुझे लोग कहते हैं इमरान साहब इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं मैं अगर इस्लाम अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता जिस आदमी के पास सब कुछ है मुझे ये बताए वो अपनी ज़िंदगी के बाईस साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में और चौदह साल तो थोड़े से लोगों के साथ था चौदह साल तो मजाक उड़ता था मेरा तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में की। जिसके पास सब कुछ था मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको जरूरत क्या थी पॉलिटिक्स की आ, मैं ये सच आपको बता रहा हूं बार बार मुझे लोग कहते आपको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत थी यानी सिर्फ आपको जरूरत ही हो तो आप पॉलिटिक्स में आए आप कोई नजरिए के लिए ना आए कोई आपकी बड़ी एंबिशन ना हो एक मैं अपने सारे जो और ख़ास तौर पे मेरे मैं चाहता हूँ मेरे जो नौजवान हैं वो आज मेरा बड़ा गौर से सुने जो मैंने आपसे बात करनी है देखिए एक मौलाना रूमी की एक सेंग है मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पर रींग रहे हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें अशरफुलमखलूक बनाया है सबसे बड़ी मखलूक फरिश्तों से ऊपर दर्जा दिया हमें फरिश्तों को का इंसान के सामने झुको और शैतान को इसलिए निकाला गया वो इबादत बड़ी करता था उसने उनका हुक्म नहीं माना उसमें तकबर था उसने कहा मैं नहीं झुकता अल्लाह ने हमें पर दिए मसला हमारा ये है कि हम क्योंकि हमारे मेहमान की कमी होती है क्योंकि हम और खुदाओं की पूजा करते हैं जो सबसे बड़ा जो जो शर्क है वो पैसे की पूजा करते हैं खौफ की पूजा के जो ओह वो बड़े बड़ी सुपर पावर है वो अगर हमने ये ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे ये खौफ का पोत है हम इंसान चूंटियों की तरह रिंगता रहता है तो पाकिस्तान मैंने इसकी ऊंच नीच देखी है हमने शुरू में हम छोटे थे हमें याद है जब पाकिस्तान एक उप तेजी से ऊपर जा रहा था हमारी मिसालें दी जाती थी मैं जब स्कूल में था पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी ये साउथ कोरिया पाकिस्तान आया था सीखने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा मलेशिया के शहजादे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे यहाँ सीखने आते थे सारा मिडल ईस्ट से लोग यहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आते थे हम ऊपर जा रहे थे हमारा मॉडल लोग देखते थे मिसाल दी जाती थी मैंने इसको नीचे आते देखा और मैंने इसको जलील होते देखा अपने मुल्क को और मैं उसके ऊपर अभी आता हूँ क्योंकि जो मेरे वालिद थे मुझे याद है अपने आखिरी दिनों में जो हमारे पर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को ज़िल्लत मिली पाकिस् पाकिस्तानियों को मैं ख़ास तौर पर कह रहा हूँ लेकिन ओवरऑल इस्लामोफोबिया भी था लेकिन पाकिस्तानी को ज़िल्लत मिली तो मैं जो आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि देखें अल्लाह ने जो हमारे अंदर इतनी सलाहित दी हैं अशरफ उसकी अजीम मखलूक पर लेकिन उससे कंडीशन लगाई हुई है उसने क्या है कि तुमने अगर ऊपर उड़ना है ना जो इकबाल ने अपना शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया है कि शाहीन कैसे इकबाल का था। वो तब ऊपर जाता है जब वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा होता है जब वो मुकाबला करता है जब वो अपने आप को मुश्किल वक्त से गुजारता है हम नमाज में सिर्फ एक ही चीज़ मांगते हैं जब पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शे उनके नहीं जो अपने तबाही के रास्ते पे चले गए तो जो नेमतें बख्शे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब थे सबसे ज्यादा तो उनको नेमतें बख्शे तो उनका आसान रास्ता नहीं था लेकिन उनकी अजमत का रास्ता था मैं इसलिए पाकिस्तान के अंदर सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ क्यों नबी की सीरत पढ़े क्योंकि वो दुनिया की तारीख में सबसे अजीम इंसान वो थे तो उनके रास्ते पे अल्लाह क्यों हमें कहता चलो क्योंकि वो अजमत का इंसान का रास्ता है हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है अच्छा जी वो फलाना ने हुक्म दे दिया हम तबाह हो जाएंगे अगर उसने वो वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा हम रीघ रहे हैं ज़मीन के ऊपर हम चूंटियों की तरह रीघ रहे हैं तो मैं सबसे पहले कि जब मैंने 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें मैंने हमेशा एक चीज़ कही ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा यानी अपनी कौम को किसी की ग़ुलामी नहीं करने दूंगा ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें कोई पुरानी मेरी वीडियोस है कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं जब मैं इकतदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी हमारे मफादात के लिए होगी इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे हम किसी को के ख़िलाफ़ होंगे हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे मैंने तो मैं तो सबसे पहले मैं वो पाकिस्तानी हूँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियां थी वो मैं पाकिस्तानी था क्रिकेट की वजह से मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं उनके पॉलिटिशियंस उनके लोगों को जानता हूं इंग्लैंड को तो आप इस तरह के मेरा दूसरा घर था एक वक्त तो मैं तो जानता हूं मैंने कभी ये नहीं कभी किसी भी इंसानी माशरे मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता हाँ हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज़ है उसकी मैं तनकीद करता हूँ मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में यानी जब जनरल मुशर्रफ़ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए मैं उस मीटिंग में था मैं इस कमरे में था इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज़ बुलाए थे जिस तरह बाकी भी थे मैं भी था इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी ओ अगर हमने अमेरिका की हमायत ना की तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ वडेड बेर की तरह हैं एक जख्मी रीच की तरह हैं वो हमें भी हम ना हमें ना गुस्से में आ शायद हम ही ना मार दें और मुझे याद है मैंने बार बार मीडिया पे पार्लियामेंट में हर जगह मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था नौ ग्यारह में कोई पाकिस्तानी मुलवस्त नहीं था हमें क्या जरूरत है कि हम अपने मुल्क को किसी की जंग में ले जाएं हम उनकी मदद करें अगर उन्होंने उनके मुल्क में दहशत गर्दी हुई है हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं हम उनकी मदद करनी चाहिए लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तानियों को कुर्बान कर दें किसी की जंग में और फिर हमने गलती क्या की सबसे बड़ी जो जनरल मुशर्रफ़ ने गलती की अस्सी की दहाई में हमने पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया जी कि हम अमरीका के हमायती हैं हम उसके एहलाए हैं हम सोवियट यूनियन के ख़िलाफ़ जहाद लड़ रहे हैं और सारी जहाद पाकिस्तान के कबाली इलाके से लड़ी गई और दो बाहर से लोग हमने बुलाए और हमने उनको ट्रेन किया और यहाँ से मुजाहिदीन ग्रुप्स गए हमने उनकी पूरी हमायत की उनको बताया कि फ़ौर ऑक्यूपेशन क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर फ़ौर ऑक्यूपेशन है इसलिए हम लड़ रहे हैं जहाज और सारे हमें बताया गया कि कितना बड़ा पाकिस्तान बड़ा रोल प्ले कर रहा है जैसे ही वो जहाज खत्म होती है सोवियत यूनियन हारता है अमेरिका यहां से चला जाता है सोवियत यूनियन उधर चला जाता है और दो साल के बाद वही अमेरिका जो हमारा दोस्त था जिसके लिए जो हम इकट्ठे जंग लड़ रहे थे वो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देता है प्रेसरल प्रेसलर सेंक्शन नौ ग्यारह आ जाता है पाकिस्तान की फिर अमेरिका ज़रूरत पड़ जाती है ये जो अभी मैंने आपको कहा कि इसी कमरे के अंदर फैसला हो रहा है कि जी हम अमेरिका की आ, हमें हमायत करनी चाहिए हमने कहा कि हाँ ठीक है हमायत यहाँ तक ठीक है कि दहशत हम सारे दहशत गर्दी के खिलाफ हैं उनके खिलाफ एक्शन लें लेकिन जो हमायत हमने की जो पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी दी गई किसी और अमेरिका के एल ने इस तरह की कुर्बानियां नहीं दी कोई नेटो भी अमेरिका के साथ था कोई एक मुल्क बताएं जो अस्सी हज़ार अपने लोग मरवा हैं जिसका सारा कबायली इलाका और मैं ये आज फिर से कहना चाहता हूँ देखिये मैं कबायली इलाके को बाकी उसे बेहतर जानता हूँ मैंने वो सारा कबायली इलाका फिरा हुआ है मैंने किताब लिखी हुई मैं उसकी तारीख जानता हूँ कबायली इलाका पाकिस्तान में सबसे पुरमाना इलाका था वहां क्राइम होती नहीं थी कोई उनके रिकॉर्ड में यानी हमेशा से वो क्राइम फ्री एरिया था जो कबायली इलाके के लोगों से हुआ हमारी इस जंग में शिरकत करने से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोगों के ऊपर बेचारों के ऊपर क्या गुजरी वहां लोग मारे गए वो उधर से लोग खड़े हो गए जिन लोगों को अब सोचे हम लोगों को कह रहे हैं कि जहाद करना बाहर से ऑक्यूपेशन हो वो सबसे अजीम चीज़ है और अब अमेरिकन जब वहाँ पहुंच गए तो हमने कहा नहीं आप दहशत गर्दी है अब जाहिर है वो लोगों को आप एक दस साल में एक तरफ से दूसरी तरफ तो नहीं ले जा सकते थे वो इंसान थे उनको हमने ये बताया हुआ था कि ये जहाद है वो जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए और वो जो पुराने जहादी ग्रुप्स ट्रेन किए थे वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए तो उससे उन्होंने हमें कहा कि हम कोलेबरेटर्स हैं अमेरिका के जहाँ जो पाकिस्तान में ख़ुद कुछ हमले हुए जो कबायली इलाका उजड़ा गया जो यहाँ मैं पता नहीं कितने हस्पतालों में गया मैं तो जो लोग बच गए थे किसी की टाँगें नहीं हैं कोई चल नहीं सकता किसी आंखें नहीं हैं हाथ ओढ़े हुए हैं तो इस सारी जो हमने जब इसकी इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी अपने मुल्क की इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को क्या किसी ने कहा कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया शुक्रिया पाकिस्तान ये नहीं हुआ वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई अफगानिस्तान की ये अभी ये अफगानिस्तान आज़ाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं कि जी पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी की वजह से वो नहीं जीत सकते यहाँ हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि कि अभी आपने और नहीं किया ड्रोन अटैक्स हुए ड्रोन अटैक्स में जितने बेकसूर लोग मारे गए मुझे याद है मैं गया वहां बाजौड़ में ड्रोन अटैक हुआ अस्सी मदरसे के बच्चे मार दिए शादियों के ऊपर ड्रोन अटैक हो रहा है तो पाकिस्तान किस हजाब से गुजरा कि मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरी आज पॉलिसी क्या है क्या जो तनकीद हो रही है कि जी इमरान खान ये जो भी मैं ये जो हमें डॉक्यूमेंट मिली है पहले मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये सारे वक्त मैं इसकी मुखालफत करता रहा आप मुझे तालिबान खान इन्होंने कहा जब मैं ये कहता था कि ये पाकिस्तान की जंग नहीं है और ये जो हो रहा है ये जुल्म हो रहा है ये जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ मैंने मुजाहरे वाद पॉलिटिशन था मैंने धरने दिए ड्रोन अटैक्स के खिलाफ मैंने वजीरस्तान मार्च की बाहर से ह्यूमन राइट्स अमेरिका से ऑर्गेनाइजेशन आई उन्होंने मेरे साथ हमायत की एक क्लाइव स्टैंडर्ड में था वकील उसने मेरे साथ आके यह हमायत की कि बड़ा जुल्म है कोई हमारे पॉले, सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की डरे हुए खौफजदा कई अमरीका ना नाराज हो जाए कौन से कानून में यह लिखा हुआ है कि आपका अपना जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वही आपके मुल्क में आए ड्रोन अटैक करे जज जूरी एक्सीक्यूशनर यानी वही फैसला करे कौन दहशतगर्द है उसको मार दे कोई पता ना तहकीक को कि जी कोई बेकसूर आदमी था या वाकई दहशतगर्द था हुकूमत हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की और जो वहाँ के जिनके रिश्तेदार मरते थे जिनके कोई बेकसूर लोग औरतें बीवी घर मरते थे वो हमारे ऊपर फिर हमले करते थे वो हमें समझते थे कि हाँ हम इनकी मदद कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं तो लिहाजा हर तरफ़ पाकिस्तानियों ने सफ़र किया तो मैं जब हुकूमत मिली तो मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे कि ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं थी ये एंटी अमेरिकन या एंटी यूरोपियन एंटी इंडियन भी नहीं थी इंडिया के खिलाफ सिर्फ जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कानून तोड़ा जब उन्होंने कश्मीर का स्टेटस लिया 5 अगस्त 2019 में तब मैंने उनके खिलाफ बात की और हर फोरम पे की लेकिन मैंने कोशिश उससे पहले पूरी की हिंदुस्तान से दोस्ती की तो मैं आज जो आपके पास ये सारी बात करने के लिए इसलिए आया हूँ कि अभी हमें आ, आठ मार्च को या उससे पहले सात मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में मैं नाम अ, मतलब मेरा कि किसी और बाहर से एक मुल्क से हमें मैसेज आती है और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक आ, किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सर लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद और उनको पहले से ही पता था अभी इतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम अहतम की आ रही है आ पाकिस्तान के अंदर ये ये अपोजिशन रखने है तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इन इनके बाहर की लोगों से रबते थे अच्छा उसमें फिर मज़ेदार चीज़ ये है कि वो ये पाकिस्तान की क्या या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है वो सिर्फ़ इमरान खान के लिए वो ये कहते हैं कि हमें और एक बहाना मारते हैं कि हमें क्यों गुस्सा है पाकिस्तान पर लेकिन कहते हैं कि वो गुस्सा तब बिल्कुल ठीक हो जाएगा हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को अगर इमरान खान ये अदम अतम की ये हार जाता है यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं। लेकिन अगर यह इमरान खान के खिलाफ फेल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा देखिए जो फिर से मैं यह कहता हूं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई भी दूसरा मुल्क यह इस तरह और यह रिकॉर्डेड है यह मैं आपको यह बता दूं कि यह नहीं कि ये, देख रहा हूं कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं वही ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं है नहीं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग जिसमें ये कहा गया और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आजम, तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुक भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो मेरा सबसे अपनी कौम से आज ये सवाल है कि क्या यह हमारी हैसियत है बाईस करोड़ के हम कौम हैं कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क और कोई वजह भी नहीं बताया कोई इसमें कोई वजह नहीं बस ये कोई एक, एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान ख़ान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का हालांकि जब रशिया जाने का फ़ैसला था इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी आ, मुशावरत थी हमारी सारी आ, आ, अस्करी क्यादत की मुशावरत पूरी थी मैंने बल्कि फॉरेन सेक्रेटरीज को इसी कमले में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे उनसे हम मुशावरत करके गए लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं है, ये मुशावरत से उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुक अच्छे नहीं हो सकते अब मेरा सवाल ये है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे उनसे हमें कोई मसला नहीं है तो मैं असल अपनी कौम के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ मेरा ये जो आज आपसे बातचीत कर रहे गया है ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी पता नहीं कोई वजह क्या बता रहे हैं कि जी आप रूस चले गए वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे लेकिन खास हाँ पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं लेकिन जो इसमें सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ क्या है कि उनके रबते उन लोगों से है जिनके जरिए ये सारी साजिश हुई है जो यहां बैठे हुए हैं और यहां कौन बैठे हुए हैं थ्री स्टूज स्टूज का मतलब होता है जो कि जो कि बड़े वफादार गुलाम होते हैं ये वो लोग हैं अब ये जरा सुन रहे कि ये चाह क्या रहे हैं ये चाह ये रहे हैं कि इमरान खान जाए लेकिन अगर ये आ जाए वापस ये जो अभी जिन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है तो फिर सब ठीक हो जाएगा तो सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि क्या ये अपने मुल्क के अंदर इजाज़त देंगे किसी को क्यादत में आने के लिए जिनके ऊपर नैब के केसेस हों जिनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस इनकी अदालतों में हों वो जो कि एक मुजरम डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान की अदालत ने जो कि झूठ बोल के भागा हुआ है क्या वो उन लोगों को जिनके ऊपर बाहर इनके मुल्कों में बाहर के मुल्क मज़मून लिखे हुए उनकी चोरी के ऊपर करप्शन पे बीबीसी की दो डॉक्यूमेंट्रीज आई हुई है इनकी चोरी के ऊपर क्या अपने मुल्क में इस तरह के लोगों को एक पे आने देंगे और अगर, अगर अपने मुल्क में इतनी सी झूठ बोलने पे ये निकाल देते प्रा, एक प्राइम मिनिस्टर को हेरल्ड मैकमेलन था झूठ बोलने में, में उसको निकाल दिया छोटी छोटी, छोटी चीजों के ऊपर वो इतना अपने लोगों का उनका जो इखलाकी म्यार है वो इस सतह पे है छोटी सी चीज पे वो निकाल देते हैं तो हमारे मुल्क में जो के नैब में अरबों रुपए के केसेस इनके और आपने 30 तीस साल से इनके ऊपर केसेस हैं पहले जो केसेस थे वो जनरल मुशरफ ने इनको एनआरओ दी वो सारे केसेस माफ करवाए फिर ये दस साल में मजीद और केसेस चढ़ गए अरबों रुपए के उनको ये कह रहे हैं कि वो ठीक है वो ठीक है लेकिन इमरान खान इनको पसंद नहीं है मुझे जो अगली चीज समझ नहीं आ रही है मैं ये अपनी कॉम से पूछना चाहता हूं कि जब उनको भी पता है क्योंकि ये याद रखना मेरे पाकिस्तानियों कि जब उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो सारी बैकग्राउंड पता होता है हर का मेरा उनको सब पता है इन सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स इनकी सब बैकग्राउंड पता है इनको उनकी एक एक चीज पता है कि इनके कितने पैसे मुल्क के किस अकाउंट्स में पड़े हुए बैरून मुल्क इनको सब पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज बेनामी जो इन्होंने बाहर ली हुई हैं बड़ी बड़ी अरबों अरबों रुपए की हर डिटेल इनके पास है एक हमारा यंग पॉलिटिशन है एक किताब है रॉन सुस्किन की द वे ऑफ द वर्ल्ड उस किताब में वो लिखता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो थी वो टेप कर रही है उसकी वालदा उसको टेलीफोन करके बैंक अकाउंट्स बता रहे हैं यानी इधर तक उनको पता है तो हमारे ये जो अब ये तीन लोग इनको जो जो पसंद आ गए हैं, इनकी क्या खासियत इनको पसंद आई है ये कि इन जनरल मुशरफ के सालों के अंदर ग्यारह ड्रोन अटैक थे इन दोनों के ये जो ये बल्कि सारे ये तीनों कट्ठे इकतदार में थे इनके दस साल में इस मुल्क में चार सौ ड्रोन अटैक्स हुए एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि मजम्मत करते हैं हामिद करजई मुझे याद है अफगानिस्तान में जब उनके उनके ड्रोन अटैक या वहाँ बमबारी से अफगानिस्तान के बेकसूर लोग मरते थे वह मजम्मत करता था जिधर अफगानिस्तान में फौरन फौजें थी यहां हम बैठे हुए हैं चार सौ ड्रोन अटैक्स में एक दफ़ा किसी ने मजम्मत नहीं की इसलिए उनको ये सूट करते हैं मौलाना फजल रहमान की एक विकी लीक्स विकी लीक्स क्या थी कि एक जिस तरह जिस तरह पाना पेपर्स का इंकशाफ हुआ था ये एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था लीक हो गए थे सीक्रेट पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स तो पाना जो विकी लीक्स में वो इंकशाफ होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी एम्बेसडर थी एन पैटरसन उसको मौलाना फजलरहान मौलाना नहीं फजलरहान उसको फजलरहन कहता है कि मुझे, मुझे मौका दे दे मैं भी वही खिदमत करूँगा जो बाकी आपकी खिदमत करते हैं ये विकी लीग्स में था नवाज शरीफ का बरका की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए डॉन लीक्स में क्या था हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ अगर फौज ये करिए तो फौज करिए मैं नहीं कर रहा ये सोचिए कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को जनरल बाजवा को कोई को, को बाहर की कुवत कहे कि दहशत गर्द है और मैं चुप करके बैठा रहा और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था दहशत गर्द का चीफ और नवाजशरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी ये इन लोगों को ये चाहते हैं से आशरदारी का बॉब बुडबट की किताब के अंदर है कि उनके सी आई ए चीफ जब उनसे कहता है वो कोलेटरल डैमेज की बात की कोलेटरल डैमेज का मतलब कि जब बॉम्ब गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें अगर ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को जो जिसको थोड़ा सा और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत अंगेज हो, हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात कर रहा है इस तरह के लोग उनको पसंद है और शबाज शरीफ उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की एब्सोलूटली डॉट क्या के यानी ये जो इनके दौर में नॉट क्या था मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं हम जंग में आपके साथ नहीं हैं हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ हैं लेकिन जो भी आप अमन अफगानिस्तान में कहीं जाते हैं हम साथ हैं आपके मेरी पॉलिसी आप मैं बताऊँ कि हम मेरी क्योंकि हम इंडिपेंडेंट यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम सालिस का किरदार प्ले कर सकते हैं वो सिर्फ तब होती है जब आप लोग समझें कि आज़ाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी जब लोग पहले से ही समझते हैं कि जी जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बमारी कर रहा है आपका दोस्त और आपके लोग मारे और आप उसको नहीं कुछ कह सकते किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी हो रही है और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपने जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा एयरपोर्ट्स के ऊपर उनसे क्या होता था पकड़ पकड़ के उनको डिटेन कर देते थे आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर जीवन मुल्क जबकि यहां हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया किसी ने कोई बात की किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया तो मैं जब ये फौरन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करता मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे 22 करोड़ लोग हैं मैं उनके लिए फॉरवर्ड पॉलिसी बनाऊंगा तो ये जो शिव कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट मैंने नहीं कहना था क्योंकि आपका तो पावर में आने में मकसद ही कुछ और है आपने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया बताए कितनी दफा ये जब बमबारी हो रही थी आपके मुंह से आवाज निकली और आप और आपके भाई साहब कभी बात कर ही नहीं सकते जब क्योंकि आपके सारे जो अरबों रुपए सब पता है उनको किधर पड़े हुए हैं और दूसरी चीज़ ये कहा कि जी ये ये जो ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक ही नहीं है अगर ये ठीक हो जाती तो आप हमारे साथ आ जाते हैं तो आज नेशनल सिक्योरिटी कमी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जब रखी गई क्यों नहीं आपने आके देखी हमने ये डॉक्यूमेंट पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं है मजाक उड़ाया गया जी जाली है पहले मैंने आ, कैबिनेट में रखी सारी कैबिनेट को बताया गया मिनट्स कैबिनेट्स के बने क्योंकि सबसे टॉप फोरम पाकिस्तान का वो है उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मैंने सारे अपने सर्विस चीफ सब के सामने रखी वो डॉक्यूमेंट उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हम बताया सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोई आ, पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है ये इतनी ये जो मैंने आपको बताया इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीज है इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं अब आखिरी बात पे आने लगा हूं और वो ये है कि हमारी अब संडे को वोट दी जाएगी इस संडे को इस मुल्क का फ़ैसला होने लगा है कि ये मुल्क किस तरफ अब जाएगा क्या वही गुलामाना पॉलिसी करप्ट लोग जिनके ऊपर तीस तीस साल से करप्शन के केसेस हैं नैब में केसेस केसे पड़े हैं बदकिस्मती से को, कोई और मुल्क होता जिसके अंदर ये इंसाफ का निज़ाम ज़्यादा ताकतवर को कानून के नीचे लाना लाने जिनकी सलाहियत है और जो भी खुशहाल मुल्क हैं दुनिया में जो भी जदर मुल्क में जिन मुल्कों के अंदर गुरबत नहीं है खुशहाली है जो प्रोग्रेस कर चुके हैं तरक्याफ्ता मुल्क हैं उन सारे मुल्कों की एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि ताकतवर मुजरिम को उनकी सलाहियत होती है कानून के नीचे लाने की हमारा अभी तक इंसाफ के निज़ाम में वो सलाहियत नहीं है ये हमारी बड़ी बदकस्मती है कि अरबों रुपये के इनके पास केसेज़ हैं कुछ नहीं हो रहा तो क्या कौम इनको फिर जो तीस साल से कह रहे हैं अच्छा कह रहे जी इमरान खान ने मुल्क बड़ा खराब आज क्यों ये सारा कर रहे हैं ड्रामा इमरान खान ने मुल्क खराब कर दिया इमरान खान तो अभी साढ़े तीन साल हुए तीस साल से तो आप बारियां ले रहे हैं इस मुल्क के ऊपर तो ये अगर मुल्क ख़राब था ये ये अगर हालात बुरे थे तो ये क्या साढ़े तीन साल में हो गए और मैं चैलेंज करता हूं कि साढ़े तीन साल में जो हमने किया है किसी भी फोरम पर इंडिपेंडेंट माहरी इनको आप बैठाएं उनसे पूछे मैं चैलेंज करता हूँ कि साढ़े तीन साल साल में जो पा, पाकिस्तान में हुआ तो कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ तो ये जो आप सारे इकट्ठे हैं ये अब कॉम ने फैसला करना है कि क्या आ, ये जो वोट होनी है संडे को इसमें कौन किधर जाएगा मुझे लोगों ने किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें मैं रिज़ाइन कर दूँ मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूँ मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी मैं तो वोट का जो भी रिज़ल्ट हो जाए आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ावों के सामने आऊँगा जो भी रिजल्ट हो लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं उस दिन ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहां अगर कोई ये किसी को कहने की कोशिश कर रहा है ना कि जी हमें एकदम पता चला कि इमरान खान तो ये तो बहुत ही नाहल या बुरा था आपको रिज़ाइन करना चाहिए था हम जमहूरीत के अंदर लोग रिज़ाइन करते हैं लोग तब नहीं करते कि जब आप देखें कि बीस पच्चीस करोड़ रुपया आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए और वो पैसा जो पहली चोरी का पैसा जिससे ख़रीदा जा रहा है लोगों को सारी कौम के सामने ये हो रहा है वो जगह बनी हुई हैं जिधर मैरियट के अंदर या सिंध हाउस के अंदर ये तमाशा चल रहा है सारी कौम के सामने मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी हमारे नौजवानों को हम आज क्या सबक दे रहे हैं हम क्या उनको बता रहे हैं कि ये हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनकी कीमतें लगी हुई हैं ये सारी कौम के सामने हो रहा है ये कुछ छुपी बात नहीं है आप उल्टा भी लटक जाए कोई ये नहीं मानेगा कि इन तीन लोगों के पास कोई इसलिए जा रहा है कि ये तो बड़े कोई नजरियाती लोग हैं तो कोई नहीं मानने लगा कि या सजारी या शबाज शरीफ नवाज शरीफ या फजल रमान ये कोई नजरियाती लोग हैं सब इनको जानते हैं सिर्फ इन्होंने जो अपने खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हुई या वो बीस साल जरा देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई नज़रियाती नहीं हो रहा ये सिर्फ़ और सिर्फ जमीरों का सौदा हो रहा है ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है ये अपने मुल्क की सावरेंटी का सौदा हो रहा है और ये जो होगा मैं अभी भी लोगों को ये क्योंकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोर लगने लगी है ये ना लोगों ने आपको माफ़ करना है ना लोगों ने आपको भूलना है ना आपकी आ, आपकी इस बात को माफ़ करना है भूलना है ना जो लोग आपको हैंडल कर रहे हैं ना उनको माफ़ करना है और भूलना है लोगों ने यह हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया एक बैरून मुल्क साजिश जो यहाँ लोगों के साथ मिलके एक एक वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फ़ॉरन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई ये कोई आपको माफ़ नहीं करेगा हमारे बड़े सगीर की तारीख क्या है मीर जाफर और मीर सादिक कौन थे ये वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलके बंगाल को ग़ुलाम बनाया अंग्रेज़ों के साथ मिलके सराज दौला को मरवाया और अपनी जाति मफादात के लिए अपने कौम को ग़ुलाम बनाया और दूसरे ने टीपू सुल्तान को उससे गद्दारी की अंग्रेज़ों के साथ मिल अपनी कौम को ग़ुलाम बनाया ये मौजूदा आपके मीर जाफर और मीर सादक हैं बाहर की कोवतों के साथ मिलकर एक मुल्क के अंदर ये वो चेंज लेके आ रहे हैं जो कि याद रखें मैं फिर रिपीट करता हूँ सारी जिंदगी ये कौम आपको भूल नहीं देगी ये वो आप करने जा रहे हैं जो आने वाली हमारी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी और मैं आपको ये भी बता दूँ आज कि अगर आपका ये ख्याल है कि ये साजिश को कामयाब होने देंगे मैं इसके सामने खड़ा होऊँगा मेरी ये अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूँगा मेरी ज़िंदगी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा मैं अपने घर में रहता हूँ मैं अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ मेरा तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है मेरे तो आके कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई नवाज़ शरीफ ने इतने दौर में अट्ठारह फैक्ट्रियाँ बना ली थी सरकारी बैंकों से पैसे ले और फिर बाद में वो कर्ज़े माफ़ करवा लिए ना मेरे कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में मैं अपने घर में रहूंगा अपने घर में रहता हूं लेकिन इस कॉम इस कॉम से ये जो गद्दारी हो रही है और ये जो होने जा रही है संडे को मैं ये चाहता हूं कि एक एक लोगों का एक एक गद्दार की आप शक्ल याद रखना ये जितना भी है कि अपने लोगों को बताने की कोशिश करें कि जी वो हो एकदम हमें पता चला है कि ये क्या हुआ है ये, ये ये कितना बुरा वक्त गुजरा था लोग आपकी कोई बात मानने नहीं लगे इस ये कौम जो है मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ ये कौम ना ये भूलेगी ना आपको माफ़ करेगी ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ़ करेगी और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा किसी खुशफहमी में ना रहे मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है सारी ज़िंदगी मैंने मुकाबला किया है मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है या मेरा कोई बाप कुछ था या मेरा कोई फलाना कुछ था या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जलानी के घर पर मैं मुझे कोई वजारत मिल गई और फिर चीफ मिनिस्टर मैंने स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ मुझे स्ट्रगल करनी आती है मुकाबला करना आता है मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा पाकिस्तान